बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ सबके पसंदीदा स्प्रिंग रोल। ये स्प्रिंग रोल मैंने उन्हीं मांदा पट्टी से बनाए हैं जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में तैयार करना सिखाई थी पट्टी। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ग्रेट कीवी बंद गोभी, गाजर भी ग्रेट कीवी और कैप्सिकम, दोनों तीनों हमें 1-1 कप चाहिए। थोड़े से हमें मटर चाहिए, 1 छोटी प्याज कटी हुई, लहसुन अदरक ग्रेट किया हुआ और हरी मिर्च कट की हुई। हमें सिरका चाहिए, 2 टेबलस्पून इसमें हमने ऐड किया है। 1 टीस्पून हमें ब्लैक पेपर चाहिए, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून घी ऐड किया है, या आप ऑयल ऐड कर लीजिए। इसमें जिंजर गार्लिक ऐड कर दीजिए, साथ इसमें ज़ीरा भी ऐड कर दें। इसको आप 1 मिनट तक आप पकाएं। एक मिनट पकाने के बाद आप इसमें हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर दें। अब आप इसमें कटा हुआ प्याज ऐड कर दें। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, हमें इसको सौटे करना है। नमक और ज़ीरा भी साथ ही ऐड कर दीजिए। इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे। अब हम इसमें कैरेट ऐड करेंगे, हम फ्राई करेंगे। अब हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे, इसको भी हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। इसमें थोड़े से मटर ऐड कीजिए, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। 5 मिनट तक हम इसे हल्की आंच पर इसे दम दे देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। इसमें मैंने सोया सॉस भी ऐड किया था, वो वीडियो मेरी स्किप हो गई है, रेडी हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। 2 टेबलस्पून हम मैदा लेके उसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, इस तरह की हम इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे। इसे हम समोसा पट्टी या समोसा जो भी आप बनाएंगे उसको बाइंड करने के लिए काम आएगा। रोल पट्टी लेते हैं, इसमें जो हमने बैटर तैयार किया था वो थोड़ा सा इसमें ऐड करें। इसको इस तरह फोल्ड करके रोल करते जाएं। इस तरह मोड़ कर आप इसे इस तरीके से आपने इसको मोड़ना है। अब जो स्लरी आपने तैयार की थी मैदे से, वो इस पर लगा दें और इसको बाइंड कर दें। इस तरह हमारा एक स्प्रिंग रोल तैयार हो गया है। इसी तरह आपने बाकी भी स्प्रिंग रोल तैयार कर लेने हैं। ये मैं आपको एक और बता देती हूँ। इसमें आपने फिलिंग ऐड की, इसको इस तरह फोल्ड किया, स्लरी लगाई और इसको बंद कर दिया। लीजिए, हमारी स्प्रिंग रोल्स रेडी हो गए हैं, फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए सबसे पहले आप पैन में घी ले लें या ऑयल ले लें, इसको गर्म करें और 1-1 करके इसमें स्प्रिंग रोल डालते जाएं। याद रखिएगा, इसका फ्लेम आपने स्लो रखना है। जब एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसको पलट दें। लीजिए, हमारा स्प्रिंग रोल रेडी है।
बहुत ही खस्ता और बहुत ही लजीज और बहुत मज़ेदार हमारे स्प्रिंग रोल रेडी हैं। ये देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।